नमस्कार, मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु हो, आज 29 सितंबर सन 2021 मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस शो में हम एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपज कपास, कॉटन के ऊपर चर्चा करेंगे, कॉटन कपास या खली पर चर्चा करेंगे, कॉटन सीड ऑयल पर चर्चा करेंगे, किराना महत्वपूर्ण जीरे पर चर्चा करेंगे और आपसे धनिया यानी कोरिएंडर पर चर्चा करेंगे। शेयर बाज़ार में निफ्टी के ऊपर बात होगी और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर एनर्जी सेक्टर पर बात होगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। आज अग्नि तत्व की तीन राशियां मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 2, 6, 10 वृषभ कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 कर्क वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए आज धैर्य का समय है, शांति का समय है, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण काम की बात, सन 1975 में जन्म लेने वाले कारोबारी, मंडी व्यापारी या फिर किसान बंधु, यदि आपके लिए एक विशेष टर्निंग पॉइंट है। मजबूत ग्रह आपको मान सम्मान, व्यापार में लाभ, साझेदारी में सफलता और नए अपॉर्चुनिटी या अवसर प्रदान करने का समय है। यदि कमजोर ग्रह स्थिति है तो मान सम्मान में परेशानी, उद्योग धंधे में तालाबंदी, साझेदारी में विघटन और बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो सकते हैं, कर्जा सरमाते हो सकता है। आपके ग्रह आपको सफलता या असफलता में मदद करते हैं। कमजोर ग्रह अक्सर असफलता की तरफ इशारा करते हैं और जबकि मजबूत ग्रह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। आज एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं होती हैं? आज एग्रो कमोडिटीज के अंदर कपास, कॉटन के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। कॉटन, कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास या खली और कॉटन सीड ऑयल के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है, हमने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर की सक्रियता और तेज बरसात की अग्रिम भविष्यवाणी की, जो कि सत्य साबित होती नजर आ रही है। लगभग पिछले 5 से 8 दिन के अंदर लगातार चारों तरफ तेज बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं और इसको फसलों के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है, चाहे वो कॉटन हो, सोयाबीन हो या फिर दूसरी फसलें हों। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर इन सब मानसून हो या फसलों की तेजी मंदी मध्यम से लंबी अवधि के लिए अक्सर कारगर सिद्ध होती देखी गई है। आज कपास यानी कॉटन के अंदर मध्यम अवधि के व्यापारी ध्यान रखें, इसके अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण मसाले जीरा में तेजी की संभावनाएं तेजी की ओर रुख कर सकता है। गौरतलब है, हमने धनिया पे यानी कोरिएंडर में जब गिरावट थी, जब भी कहा था धैर्यपूर्वक हाजिर के व्यापारी माल सहेजे, इसमें मुनाफा मिल सकता है। ये तक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर अपडेट। अब शेयर बाजार में क्या संभावना बन सकती है? दोस्तों, कहा जाता है शेयर बाजार भारत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण है। शेयर बाजार की तेजी मंदी से उस देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत नज़दीकी से देखा, परखा और समझा जा सकता है। शेयर बाजार भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कृषि, लगभग 20% का हिस्सा भारत की जीडीपी में, भारत की तरक्की में कृषि यानी खेती से है। और महत्वपूर्ण यह है कि इस बार खरीफ का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने की पूरी पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं और सरकार भी इसके ऊपर अपना अपडेट दे रही हैं। गौरतलब है कि कृषि एक जो महत्वपूर्ण जीडीपी में कृषि की जो हिस्सेदारी है वो 20% होने का मतलब एक कृषि उत्पादों पर सरकार को अब अधिक ध्यान देती है। गौरतलब है, भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, मसालों का भी सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश भारत माना जाता है। फल सब्जियां के साथ गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश भारत देश माना जाता है
और लेकिन इसमें एक कोर्ट के मामले में हम दुनिया में 10वें स्थान पर हैं, ये बहुत, जबकि उपलब्ध साधन में हम पहले या दूसरे स्थान पर होने चाहिए। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 17 सालों में पहली बार भारत देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20% हुई है। ये गेहूं और बाकी कृषि उत्पादों, इसमें कॉटन भी शामिल है, इसमें बड़े एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारी आपको शेयर करने का मकसद ये है कि अब भारत का किसान या मंडी व्यापारी भारत की जीडीपी में जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। शेयर बाजार के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, निफ्टी के अंदर गिरावट की संभावना है, लेकिन पावर सेक्टर यानी ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आज मजबूती बन सकती है, चाहे वो IEX हो, इंडियन इलेक्ट्रिक एक्सचेंज हो जिससे बिजली की खरीद फरोख्त होती है, या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो भारत सरकार का उपक्रम है और सबसे बड़ा उपक्रम, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी है। इसके अतिरिक्त REC रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि ग्रामीण इलाकों के अंदर विद्युतीकरण का बाहर उठाया हुआ है, ये कंपनी, इन कंपनियों में आज तेजी की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन निफ्टी कमजोरी की ओर अग्रसर हो सकती है जिसका कल भी हमने आपको अनुमान और अग्रिम विश्लेषण दिया था। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना बनती है, गौरतलब है कल हमने बुलियन यानी सोने के अंदर आपको गिरावट की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, सही साबित हुई। आज हम नेचुरल गैस के ऊपर नज़र रखने के लिए आपको कहेंगे, उसके अंदर गिरावट की संभावना बन सकती है, आप अतिरिक्त सावधानी रखकर ट्रेड करें। तो दोस्तों, शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, कृषि जीन्स हो या नॉन एग्रो कमोडिटीज़, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी क्षमता से अधिक बिल्कुल कार्य ना करें, क्षमताओं के में रहकर काम करें। इंटरडे ट्रेडर हैं, छोटी अवधि के ट्रेडर हैं, छोटा आपकी पूंजी लगी हुई है तो बड़ा नुकसान बिल्कुल ना लें। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ हम आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर दे रहे हैं। नफा नुकसान या कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन एवं विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें, अपने सलाहकार से भी राय आप ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत की इन रहस्यमयी विद्याओं को यदि आप सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 25 सालों से। देश विदेश के हजारों स्टूडेंट्स ने इसको सीखकर लाभ भी कमाया है। आप भी इन रहस्यमयी विद्याओं को सीख सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।